लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें, ओके लिस्टिंग गेंस के लिए आज से नहीं। लिस्टिंग पे बन जाए नहीं बने कहना मुश्किल है, आजकल के मूड माहौल के हिसाब से हमने थोड़ा सा लिस्टिंग पर हम सावधानी से चलते, क्योंकि एक तो ये कि बाजार का मूड कैसा हो जाए 5-7 दिनों में वो एक इशू होता है, दूसरा वैल्यूएशन पे अगर बहुत ज्यादा कम्फर्ट ना हो तो हम लिस्टिंग गेन के लिहाज से सोचते नहीं है। लेकिन तो वैल्यूएशन का जहां तक सवाल है दीप, यहाँ पर वैल्यूएशन न सस्ते हैं न महंगे, एकदम रीजनेबल है, जो मार्केट में दूसरे इनके जो कॉम्पिटिटर्स है बिल्कुल उनके आसपास है। जो हमारे पास डेटा उस हिसाब से 64-65 के पी मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं 65-70 पे, बाकी सारे नवीन शोरूम से लेकर जितनी कंपनियां लगभग सब 65-70-75 के पी मल्टीपल पर है, तो ये भी उसी पी मल्टीपल पर है, तो थोड़ा सस्ता देते तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन चूंकि कंपनी में कुछ बढ़िया अच्छाइयां हैं उस वजह से हम अप्लाई करने की राय दे रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिहाज से दे रहे हैं। जिनको रिस्क नहीं रखनी है आपसे ले लीजिए, वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा क्या है, कंपनी मार्केट लीडर, 7 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कंपनी खुद अकेले ही बनाती है और उनमें मार्केट लीडरशिप है इनकी, सो इन्होंने प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत अच्छे से चुना है कि हमें कौन से प्रोडक्ट बनाने जहां पे आपके पास प्राइसिंग पावर है, मार्केट लीडरशिप है, और सबसे बड़ी बात ग्रोथ आउटलुक बहुत स्ट्रांग है। जो कैपेक्स प्लान कर रहे हैं उसके बाद और अच्छी ग्रोथ आएगी कंपनी में, और कंपनी का फोकस बहुत क्लियर है, कल हमने जैसा हिसाब से बात की, वो उन्हीं प्रोडक्ट पर फोकस करना चाहते हैं या उनकी लीडरशिप है ताकि आपको है ना दिक्कत ना आए उतार चढ़ाव में। तो ये बिजनेस मॉडल कंपनी का बहुत बढ़िया है, फाइनेंशियल्स बहुत मजबूत है, पिछले 3 साल के आप देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, मार्जिन देखिए, बहुत शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है टू गुड टू बिलीव, फ्रेंकली बता रहा हूँ, तो बहुत अच्छे नंबर है, लेकिन प्रोमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी जो एक्सपीरियंस समझ है उसका फायदा दिख रहा है और बहुत अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ आती हुई दिख रही है। तीसरा, आईपीओ आने के बाद जो पैसा आएगा उससे कंपनी पूरी डेट फ्री हो जाएगी, तो बैलेंस शीट आपकी और मजबूत हो जाएगी। सो फाइनेंशियल पहले से मजबूत है, रेवेन्यू ग्रोथ है, आउटलुक अच्छा है, तो ज्यादातर चीजें आप दिखेंगी, और मैनेजमेंट अच्छा है तो आपको अच्छी साइड पर दिखेगी, उस हिसाब से ये सब कुछ अच्छा है। अब नेगेटिव साइड पर क्या है, 2013 में कंपनी शुरू हुई थी, 2017 से ऑपरेशन शुरू किया, तो 5 साल का इतिहास है, 5 साल में इतनी तेज ग्रोथ दिखाना अपने आप में पॉजिटिव भी है, तो वो थोड़ा सा रिस्क भी ये दिखता है कि बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि वो जैसे मैनेजमेंट ने बताया कि वो अनुपम रसायन में थे और वो दूसरी बड़ी कंपनी है, सो वो पुराना एक्सपीरियंस आप काउंट करके देखें तो ठीक है, लेकिन इस कंपनी में 2017 से शुरुआत हुई तो ट्रैक रिकॉर्ड 5 साल का ये कंपनी का। दूसरा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक तरह से जो चीज कभी नेगेटिव भी हो जाती है, प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज्यादा हो तो कॉन्फिडेंस देता है, प्रमोटर्स 99% रखते हैं, इश्यू आने के बाद भी 87% रहेगा, अब आगे चलते हुए 12% इन्हें और बेचना पड़ेगा, वो कब बेचेंगे कैसे बेचेंगे वो अलग बात है, लेकिन वो हल्की सी रिस्क है। सो ओवरऑल डीप देखेंगे तो पॉजिटिव ज्यादा है, वैल्यूएशन थोड़े से और अच्छे करते हैं मजा आ जाता, लेकिन चूंकि वैल्यूएशन जिन वैल्यूएशन पे रखे हैं उस वैल्यूएशन पे लॉन्ग टर्म के लिहाज से प्रमोटर और कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखते हुए पैसा लगाया जा सकता है, शॉर्ट टर्म में बन जाए तो आपका नसीब, नहीं तो कोई बात नहीं।